हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ गैमेटोजेनेसिस। कल हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन, सॉरी परसों की क्लास में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन वी स्टडीड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन यस्टरडे क्लास वी हैड लर्न अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, पहले भी आपको बताया था जनरल इंट्रोडक्शन जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी देखा था गैमेटोजेनेसिस जो है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मेल्स और फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्ट्स लेते हैं, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है। तो देखिए द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूसेस द गैमिट्स दैट इज स्पर्म इन द मेल। मेल में हम उनको स्पर्म्स कहते हैं गैमिट्स को, एंड फीमेल्स में हम कहते हैं दैट इज ओवम। ठीक है, इन फीमेल्स दे आर कॉल्ड द ओवम बाय द प्रोसेस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। इन मेल्स इट विल फॉर्म गैमिट्स दैट वी यूजली कॉल्ड द स्पर्म्स, एंड इन फीमेल इट इज कॉल्ड ओवम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेस्टिस में क्या होता है, इमैच्योर जर्म सेल्स जो होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोजीनिया भी कहते हैं। इमैच्योर मेल जर्म सेल्स आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोजीनिया भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है पूरी उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या होता है, द स्पर्मेटोजीनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबल्स मल्टीप्लाई बाय द मिटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीजेज इन नंबर्स। क्या होता है, जो स्पर्मेटोजीनिया है, ठीक है ना, जो इनसाइड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, किसके थ्रू, मिटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है ना, ईच स्पर्मेटोजीनियम इज डिप्लॉयड, हर स्पर्मेटोजीनियम जो होता है पहले होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब कि टू एंड, है ना, दैट कंटेन्स द 46 क्रोमोसोम्स। सम ऑफ द स्पर्मेटोजीनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ कुछ स्पर्मेटोजीनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए मियोसिस डिवीजन में भी जाते हैं। ठीक है, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स। क्या करते हैं, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, मतलब कि ये टू एन जो है ये डिवाइड होके एन प्लस एन का फॉर्मेशन करता है। ये वाला जो एन होता है ये वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस में कंटिन्यू रहता है, और ये वाले एन से जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको इसका एक डायग्राम बताते हैं, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे। सी फिगर नंबर 3.8 में जो ए वाला है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो स्पर्मेटोजीनिया है, दीज आर द स्पर्मेटोजीनिया, ये क्या करते हैं मिटोसिस डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, मतलब कि ये दो में डिवाइड हो गए, देन दे फर्दर डिवाइड इन टू टू। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, सी ये देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या है, ये है स्पर्मेटोजीनियम, ये टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये टू नंबर मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पर मिटोसिस सेल डिवीजन हुआ, ये टू एन डिवाइड हो गए। ठीक है, यहाँ से एक ये जो टू एन है ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ये वापस यहाँ पे जाता है। ठीक है, एक टू एन जो होता है वो मियोसिस वन का डिवीजन, यहाँ पे मियोसिस वन डिवीजन होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, वन एन बन जाते हैं, मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। मियोसिस वन हो गया, अब मियोसिस टू की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये सिंगल वन एन जो है ये टू में डिवाइड हो गया, वन एन, देन अगेन दिस वन एन इज अगेन डिवाइडेड इन टू दिस टू। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्मेटेट्स होते हैं। अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब कि सेपरेट हो जाते हैं पूरी तरीके से, ये जो स्पर्मेटेड होते हैं ये स्पर्म को फॉर्म करते हैं, इसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया ये दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजीनियम जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, मिटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है,
एक टू एन जो है वापस से क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वापस सेम प्रोसेस में चला जाता है। दूसरा जो है वो मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। पहले वहाँ पर होता है मियोसिस वन, देन नेक्स्ट स्टेप पे होता है मियोसिस टू। इस तरीके से वो डिवाइड होते जाते हैं, स्पर्मेटिड बन जाते हैं, देन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से क्या करते हैं, दे फॉर्म दी स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजीनिया। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इस तरीके से फॉर्म। सी, इन शॉर्ट अगर देखें तो ये क्या है, स्पर्मेटोजीनियम है। ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, ये डिवाइड हुए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये देखिए इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। देन मियोसिस वन से ये क्या हो गया, ये अलग से डिवाइड हो गए। सी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हो गए, मियोसिस सेकेंड के डिवीजन में गए, देन दे बिकम सेपरेटेड, है ना। इसके बाद ये जो सेपरेट हो जाते हैं ये क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं। देन ये क्या बनाते हैं, मैच्योर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये है स्पर्म सेल्स। ठीक है, कहाँ पे होता है ये देखिए, स्पर्मेटोजोआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, सेरिटोली सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, ये स्पर्मेटोजीनियम है। ठीक है, अब देखिए नाउ सी, मेल्स में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस बाय द स्पर्मेटोजीनिया, जिसको हम इमेच्योर जर्म सेल्स भी कहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोजीनिया क्या करते हैं, इंक्रीजेस द नंबर बाय द मिटोसिस, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको इंक्रीज करके मिटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि डिप्लॉयड हो जाते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोजेनिया कॉल द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना, जो कि पीरियडिकली कहाँ जाते हैं, मियोसिस डिवीजन में जाते हैं। आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होता है, टू हैप्लॉयड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टू इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद फर्दर क्या होता है, मियोसिस की डिवीजन होती है, वहाँ पर क्या होता है, पहले मिटोटिक डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ, मियोसिस की डिवीजन हुआ, वहाँ पर क्या होता है, फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। वो फोर हैप्लॉयड जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब देखिए सी नेक्स्ट, सी नाउ, अब जो एक्चुअल स्पर्म होता है, एक सिंगल स्पर्म जो होता है वो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब स्पर्म में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक दैट इज द हेड, नेक, टेल, है ना। तो अब ये पार्ट्स किस तरीके से क्या फॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, ये देखिए। जो स्पर्म का हेड होता है, द स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन टू द सेरिटोरी सेल्स आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो कहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, सेरिटोरी सेल्स में। कहाँ पर है सेरिटोरी सेल्स, ये देखिए, ये वाले पार्ट में जो है स्पर्म्स के हेड क्या होते हैं, ये देखिए, ये स्पर्म्स हैं, दीज आर द स्पर्म्स, इनके हेड कहाँ है, सेरिटोरी सेल्स की साइड पर, है ना, यहाँ पे अंदर की साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी, एंड रिलीजेस एंड रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है ना, कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से रिलीज होते हैं बाय द स्पीमेशन, स्पर्मीमेशन। ठीक है ना, अब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। कहाँ, कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, बाय द एक्शन ऑफ द, किस हार्मोन के एक्शन से होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये है हार्मोन्स। ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दीज आर द हार्मोन्स जिसके थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट होता है, विच इन टर्न कॉज द रिलीज ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स। ये क्या करता है, दो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो GnRH होता है ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है LH डेट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा क्या होता है, FSH डेट इज फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, अब LH क्या करता है, LH एक्ट एज द एक्ट ऑन लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी, वहां पर क्या करते हैं, LH एक्ट करते हैं एंड कॉसेस देम टू रिलीज एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, कहाँ पर रिलीज होता है, लेडिंग सेल्स में, किसके थ्रू रिलीज होता है, LH, LH के थ्रू होता है, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू होता है, विच स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। जबकि FSH जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेरिटोरी सेल्स में होते हैं। सेरिटोरी सेल्स का क्या काम होता है, टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, स्पर्म्स फॉर्मेशन के पहले न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है वो किससे होता है, सेरिटोरी सेल्स से होता है। तो FSH कहाँ पर एक्ट करते हैं, सेरिटोरी सेल्स की साइड एक्ट करते हैं।
किस में हेल्प होती है, वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प मिलेगी, है ना। ठीक है, तो ये क्या था, किस तरीके से स्पर्म्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो डेट आर वर्किंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये जनरल स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ठीक है। इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में देखना है। देखो, एक मैच्योर स्पर्म जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सी हेड होता है, सी हेड, देखिए एक मैच्योर स्पर्म के अंदर हेड वाला पोर्शन होता है, नेक होता है, फिर मिडिल पीस होता है, एंड देन द टेल। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको हेड, नेक, ठीक है, दिस इज द मिडिल पीस, ये और ये टेल, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से जो है वर्क करता है वो आपको बता दिया है। अब होल स्पर्म इज एनक्लोज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा स्पर्म जो होता है वो किस में एनक्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हेड कंसिस्ट ऑफ द हैप्लोइड न्यूक्लियस। हेड किससे बना होता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस से बना होता है, एंड अ कैप लाइक एक्रोसोम। और किससे बना होता है, एक्रोसोम से। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एक्रोसोम, इससे बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच कंटेन एंजाइम्स डैट एड इन फर्टिलाइजेशन। ये एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। अब मिडिल पीस जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, मिटोटिक कंटेन्स द सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस में, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल इन नेचर, दे आर द मोटाइल इन नेचर। तो मोटिलिटी कहाँ से, मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी मिलती है स्पर्म्स को वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स से मिलती है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, स्पर्म रिलीज बाय द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से रिलीज होते हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबुल वाला पोर्शन होता है वहाँ से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एंड देन ट्रांसपोर्ट द एसेसरी डक्ट्स। फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब सीक्रेशन ऑफ एपिडिडिमिस, वेस्टेफन्स एंड द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब इन सब का जो सीक्रेशन होता है, ये आपको बताया था कौन से लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, जिसमें हमने देखा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ये सारे हमने जो ऑर्गन्स हैं वो देखे थे, ये सारे पार्ट्स देखे थे। तो ये किस लिए एसेंशियल होते हैं, एक स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए, स्पर्म को मैच्योर बनाने के लिए और उसको मोटाइल बनाने के लिए, ठीक है। ये था जनरल एक स्पर्म का स्ट्रक्चर और उसके ये किस तरीके से जो है वर्क करते हैं, उसके अलग अलग पोर्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना, सॉरी द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इन द फीमेल्स इज कॉल्ड द ओजेनेसिस। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है एज इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।